हेलो दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोर ट्यूशन सेंटर चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक ध्यान रखिएगा आपके मैथ्स एंड फिजिक्स के डाउट हाँ आप हमें व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे भेज सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है अब स्टार्ट करते हैं इस एक्सरसाइज का बेसिक्स देखिए इस एक्सरसाइज में हमारे पास दो चीज़ मेन है फर्स्ट वन इज़ यूक्लिडिस डिवीज़न लेमा एंड सेकेंड इज यूक्लिडिस डिवीज़न एल्गोरिदम ये दोनों रिलेटेड हैं यूक्लिडिस डिवीज़न लेमा क्या है आपने जो डिवीजन किया है बेसिक क्लासेस में थर्ड में फोर्थ में उसी चीज का एक लाइक like, वर्जन है ओके एंड इक्टिस डिवीजन एल्ग्रोदम इज ए मेथड हम एक एक को डील करेंगे पहले हम पढ़ते हैं इक्विटिस डिवीजन लेमा लेमा मीन्स थ्योरम ओके इक्विटिस डिवीजन लेमा क्या है ये हम जो डिवीजन करते हैं उसको रिलेट करता है एक इक्वेशन में ये क्या कहता है इसकी स्टेटमेंट और एग्जाम्पल को साइड बाई साइड हम लेंगे सो दैट इट इज ईजी टू अंडरस्टैंड यूक्लिडिस डिवीजन लेमा की जो स्टेटमेंट है वो कहती है गिव गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं ए एंड बी लेट्स टेक टू पॉजिटिव इंटीजर्स दैट इज ट्वेंटी सेवन एंड फोर ए एंड बी मीन्स ट्वेंटी सेवन एंड फोर यहां पे इस एग्जांपल हमने ए को माना ट्वेंटी सेवन और बी को माना फोर सो इट एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स क्यू एंड आर क्यू मीन्स क्यूसेंट आर मीन्स Remainder. when a is divided by b, there exists a unique integer q क्यूसेंट and one is r. सबको पता है जब एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं तो भी हमारे पास आता है और रिमाइंडर भी हमारे पास आता है सैट इट सेटिस्फाई इक्वेशन देखते हैं क्या है यूक्लिडिस डिवीजन की इक्वेशन क्या क्या है वो कहती है ए इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई क्यू प्लस आर रिमाइंडर क्या होता है हमेशा डिवीजर से छोटा होता है आर लाइज बिटवीन जीरो एंड बी थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आया होगा नेक्स्ट स्टेटमेंट में आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा एग्जाम्पल okay, so में देखेंगे तो एग्जाम्पल में हमारे पास ए क्या है ट्वेंटी सेवन और बी क्या फोर हमें क्यू एंड आर निकालना है तो इसके, क्या, इसके लिए क्या करेंगे हम ट्वेंटी सेवन को फोर से डिवाइड करेंगे देखते हैं ट्वेंटी सेवन डिवाइडेड बाई फोर फोर सिक्सा ट्वेंटी फोर वी गेट थ्री रिमाइंडर ठीक है अब देखो फोर डिवीजर है सिक्स क्या है क्वेशेंट क्यों है क्योंकि जो हमने लिख दिया इसको सिक्स को एंड रिमाइंडर क्या है 3 3 को हमने r की जगह लिख दिया 3 की वैल्यू 0 और 4 के बीच में है सिंपल रिमाइंडर जो होता है डिवीजर से हमेशा छोटा होता है ठीक है ओके okay. ये था हमारे पास यूक्लिडिस डिवीजन लेमा सिंपल सा है कोई बड़ा कांसेप्ट नहीं है देखो किसी भी एक नंबर को अगर मैं जैसे 27 में नहीं हां लिया 27 को किसी और नंबर से डिवाइड करूंगा तो हमारे पास क्या आएगा क्वेशेंट आएगा क्रिमिनड आएगा उसने यही किया जब a को b से डिवाइड करेंगे तो क्वेशेंट q आएगा और रिमाइंडर r आएगा अब यहाँ देखो 4 into 6 b into q 4 into 6 कितना 24 प्लस रिमाइंडर 3 24 3 27 गॉट इट ओके आगे बढ़ते हैं अब हमारे पास है यूक्लिडिस डिवीजन एल्गोरिदम ये जो एल्गोरिदम है मेथड है ये एक मेथड है एच कैलकुलेट करने का एलसीएम के बारे में आपने सुना होगा एच के बारे में आपने सुना होगा एल सी सुना होगा और एच भी आपने सुना होगा ये होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल ये होता है हाइएस्ट कॉमन फैक्टर ठीक है तो एल इक्विडिस डिविजन एल्गोरिदम क्या है एक मेथड है एच फाइंड आउट करने का ठीक है कैसे करते हैं वो हम देखते हैं स्टेटमेंट क्या कहता है इसका स्टेटमेंट कहता है यूक्लिडस डिवीजन एल्गोरिदम इज अ टेक्निक टू कंप्यूट द एचसीएफ ऑफ टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स एचसीएफ ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी इज द लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर डी दैट डिवाइड्स बोथ ए एंड बी कहने का मतलब क्या है दो नंबर्स हमारे पास हैं उनका एचसीएफ क्या होता है वो नंबर जो दोनों नंबर को डिवाइड कर दे हाईएस्ट नंबर ठीक है ओके okay. अब इसके मेथड को हम पढ़ेंगे उससे ज्यादा क्लियर होगा साथ साथ हम एग्जाम्पल भी लेंगे मैथड एंड एग्जाम्पल साइड बाई गए हैं उनके ऊपर हम इक्वलिटिस डिविजन लेमा लगाएंगे जो हमने सीखा था अब स्टेप एग्जाम्पल भी ले लेते हैं ए एंड बी की वैल्यू हम ले लेते हैं ट्वेंटी टू टू फाइव एंड वन थर्टी फाइव ये दो नंबर्स हैं इसका मुझे एच सी एफ फाइंड करना है ठीक है देखो ये पूरा जो मेथड मैं पढ़ाऊंगा आपको ये है डिवीज़न इस एल्गोरिदम में पहला जो स्टेप है वो है सिंपल सा ये क्यू एंड आर हमारे मिल गया यहां देखते हैं टू टू फाइव इज इक्वल टू वन थर्टी फाइव मल्टीप्लाई समथिंग प्लस समथिंग क्यू एंड आर हमें निकालना तो उसके लिए क्या करेंगे डिवीजन करेंगे टू टू फाइव डिवाइडेड बाई वन थर्टी फाइव जाएगा वन थर्टी फाइव बचा कितना नाइनटी नाइन्टी को डिवाइड नहीं कर सकते छोटा है तो मीन्स क्या है क्यू की वैल्यू क्या है वन ये क्यू हो गया और आर की वैल्यू क्या है नाइनटी सो so यहां क्या वन थर्टी फाइव मल्टीप्लाई वन प्लस नाइन्टी यहां पर देखो नाइनटी जो रिमाइंडर है वो किसके किसके बीच में होना चाहिए जीरो एंड वन थर्टी फाइव के बीच में होना चाहिए होप दिस इज क्लियर ओके सेकेंड स्टेप की तरफ बढ़ते हैं सेकंड स्टेप क्या कहता है चेक वैल्यू ऑफ आर आर की वैल्यू चेक करो उसके अकॉर्डिंग दो केस बनेंगे आइदर आर इज इक्व टू जीरो इफ आर इज टू जीरो जो बी है ये क्या होगा एच सी एफ होगा फॉर एग्जाम्पल यहां पर जीरो आ जाता अपना है अपना रिमाइंडर तो वन थर्टी फाइव क्या हो जाता है अपना एच सी एफ हो जाता है लेकिन रिमाइंडर जीरो नहीं है तो उसके लिए सेकेंड केस सेकेंड केस इज आर इज नॉट इक्वल टू जीरो आर इज नॉट इक्वल टू जीरो मींस अप्लाई इक्लूडिस बट दिस टाइम इट इज अप्लाइड ऑन बी एंड आर बी और आर के ऊपर इसको लगाना है ठीक है चलिए वही लगा बी इज इक्वल टू आर इंटू क्यू वन प्लस आर वन ठीक क्यू और आर पहले था अब क्या होगा क्यू वन एंड आर वन क्योंकि हम एडवांस कर चुके हैं ठीक है ओके चलिए देखते हैं स्टेप टू स्टेप टू में क्या था आर की वैल्यू चेक करेंगे आर की वैल्यू कितनी है नाइनटी है मिस नॉट इक्वल टू तो, हम क्या लगाएंगे? लेमा लगाएंगे, तो यह आएगा अब की और किस पे लगाना वन थर्टी फाइवी सो वन थर्टी फाइव इज इक्वल टू नाइनटी मल्टीप्लाई वन प्लस फोर्टी फाइव ठीक है डिवीजन करके देखेंगे तो यही आएगा ओके okay. सो so, अब क्या आर की वैल्यू क्या जीरो हुई कि नहीं हुई आर की वैल्यू स्टिल नॉट इक्वल टू जीरो तो अगेन स्टेप थ्री क्या कहता है देख दिखा देते हैं, स्टेप थ्री क्या कहता है स्टेप थ्री कहता है कीप रिपीटिंग स्टेप टू अंटिल आर बिकम्स जीरो अब देखो स्टेप टू में क्या हुआ आर की वैल्यू जीरो नहीं है तो क्या हम रिपीट करेंगे इस स्टेप को अब किसके ऊपर लगेगा डिविजन लेमा एक लगेगा नाइनटी एंड फोर्टी फाइव के ऊपर ठीक है जो लगाते हैं स्टेप थ्री नाइनटी इज इक्वल टू फोर्टी फाइव इंटू टू प्लस जीरो सिंपल है फोर्टी फाइव टू जा नाइनटी तो रिमाइंडर कितना आया जीरो आ गया रिमाइंडर रिमाइंडर जीरो आ गया तो मीन्स क्या है बी दिस वन फोर्टी फाइव विल बी द एच सी एफ ऑफ दीज टू नंबर टू टू फाइव एंड वन थर्टी फाइव ठीक है ओके okay. तो हम स्टेप फोर लिखेंगे हेयर आर इज जीरो रिमाइंडर इज जीरो सो फोर्टी फाइव इज एच सी एफ ऑफ टू टू फाइव एंड वन थर्टी फाइव दिस इज क्लियर इजी है प्रैक्टिस करेंगे तो और इजी लगेगा ओके ओके नेक्स्ट एडवांस करते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर वन को सोल्व कर लेते हैं इसने कहा यूज इक्विटीज डिविजन एल्गोरिदम टू फाइंड एच सी एफ ऑफ फॉलोइंग फॉलोइंग क्या है वन थर्टी फाइव एंड टू टू फाइव वन नाइनटी सिक्स एंड थ्री एट टू टू जीरो एंड थर्ड इज एट सिक्स सेवन एंड टू टू फाइव देखिए 135 एंड 225 को हम कर चुके हैं एग्जाम्पल में तो हम स्टार्ट करते हैं सेकंड से ठीक है ओके इसमें क्या लेंगे स्टेप वन करेंगे स्टेप वन क्या है अप्लाई इक्लूडिस डिवीजन लेमा टू 196 एंड 38220 टू फाइंड क्यू एंड आर अब देखिए ए एंड जो बी होता है हमेशा बड़े नंबर को छोटे से डिवाइड किया जाता है तो ए की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे थ्री जो होगी वो ए की वैल्यू होगी ठीक है और बी की वैल्यू क्या होगी वन नाइनटी सिक्स तो इसके अकॉर्डिंग हम इसको एडवांस करते हैं तो डिवाइड करेंगे थ्री एट टू टू जीरो वन r सिक्स इंटू क्यू प्लस आर आर निकालने के लिए डिवीजन करेंगे तो यहां लेते हैं हम थ्री एट टू टू जीरो डिवाइडेड बाई वन सिक्स तो कितने में जाएगा ये जाएगा जा पे वंजा वन नाइन सिक्स तो रिमाइंडर बचा हमारे पास वन हंड्रेड सिक्स ऊपर से क्या लेंगे दो को नीचे ले आएंगे ओके वन एट सिक्स टू ये कितने पे जाएगा नाइन जा पे आएगा नाइन वन थाउजेंड सेवन हंड्रेड सिक्सटी फोर रिमाइंडर कितना बचेगा नाइनटी एट ऊपर से क्या आएगा जीरो अब क्या करेंगे देखते कितने बजाएगा ये जाएगा फाइव जा पे फाइव जा पे कितना आएगा नाइन एट्टी सॉरी जीरो रिमाइंडर जीरो तो यहां पे क्या हुआ क्वेश्चन कितना आया वन नाइन्टी फाइव और रिमाइंडर कितना आया जीरो तो इसको रखते हैं पहले वैल्यू वन नाइन फाइव प्लस जीरो द वैल्यू ऑफ आर की वैल्यू क्या आ रही है सो स्टेप टू में था चेक द वैल्यू ऑफ आर दो पॉइंट थे इसकी आर की वैल्यू अगर जीरो है तो बी इज एच सी एफ इफ आर इज नॉट इक्वल टू देन वी विल अप्लाई यूक्लिडिस डिविजन लेवा अगेन बट हेयर The value of r is zero. So, here the value of b is 196. So, its HCF is 196. Means इज वन नाइनटी सिक्स ये दो नंबर वन नाइनटी सिक्स एंड थ्री ए टू 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 जीरो जो है इसका HCF सी एफ वन नाइनटी सिक्स आर की वैल्यू क्या हो चुकी है जीरो सो इस एल्गोरिदम इस मेथड के अकॉर्डिंग बी जो होगा 196 क्या होगा एच होगा ठीक है ओके एडवांस पार्ट करते हैं एट सिक्स सेवन एंड टू टू फाइव देखो तो ए क्या, क्या है इसमें एट सिक्स सेवन है एंड बी क्या है टू टू फाइव है तो स्टेप वन अप्लाई यूक्लिडिस डिवीजन लेमा ओके सो यह वी गो एट सिक्स सेवन इज इक्वल टू टू फाइव मल्टीप्लाई समथिंग प्लस समथिंग मीन्स क्यू एंड आर के वैल्यू हमें निकालने तो उसके लिए क्या करेंगे वी विल डिवाइड एट हंड्रेड सिक्स सेवन बाई टू हंड्रेड ट्वेंटी फाइव 867 डिवाइडेड बाय 225, सो इट विल गो ऑन थ्री 225 टू इट विल बी 675, रिमाइंडर कितना आएगा 192, ठीक है अब यहाँ क्यों कितना है 3 और R कितना है 192, सो स्टेप टू क्या था R की वैल्यू हमें चेक करनी थी। स्टेप टू क्या है चेक द वैल्यू ऑफ R, R की वैल्यू जीरो है या नहीं है आर की वैल्यू अगर जीरो होती तो बी क्या होता है एच सी एफ होता इफ द वैल्यू ऑफ आर इज नॉट इक्वल टू जीरो अप्लाई यूक्लिडस करते हैं टू टू फाइव इज इक्वल टू वन नाइनटी टू मल्टीप्लाई समथिंग प्लस समथिंग तो इसके लिए क्या करें डिवीजन करेंगे टू ट्वेंटी फाइव डिवाइडेड बाई वन नाइनटी टू इज इक्वल टू वन जाबे जाएगा वन नाइनटी टू इट इज रिमेंटरीज थर्टी थ्री तो यहां पर क्यू कितना आया वन आर कितना आया थर्टी थ्री सो विल राइट द वैल्यू ऑफ क्यू एंड आर क्यू की वैल्यू वन और आर की वैल्यू थर्टी थ्री सेम स्टेप थ्री में भी क्या है आर की वैल्यू जीरो नहीं है सो वी विल अप्लाई इक्वलोटिस डिविजन लेमा अगेन स्टेप फोर वन नाइनटी टू एंड थर्टी थ्री थर्टी थ्री फाइव जाके इट विल बी वन सिक्सटी फाइव तो रिमाइंडर कितना आएगा ट्वेंटी सेवन अब स्टेप फाइव को लेते हैं स्टेप फाइव में क्या करेंगे सेम थर्टी थ्री और ट्वेंटी सेवन को लेंगे थर्टी थ्री एंड ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी सेवन वन जा ट्वेंटी सेवन रिमाइंडर विल भी सिक्स वन प्लस सिक्स ओके okay. अब भी रिमाइंडर क्या है जीरो नहीं है सो वी विल अप्लाई Equalities division lemma again. So step 6. Here we will take 27 and 6. B or R value to 27 and 6. 6 4s are 24. So remainder 3. So 4 plus 3. Again, the remainder is not equal to 0. So step 7. We will take 6 and 3. Now you can see 3 2, are 6. So remainder will be 0. So, multiply 2 plus 0. Here you can see the remainder is 0. So, 3 will be the HCF of 867 and 225. This is the method to calculate HCF. Hope this is clear. Thanks for watching. See you in the next class. In case of any doubt, comment in the section below. Thanks for watching. Have a nice day.